से साथियों, आज चैप्टर 8 डी व ए ब्लॉक का ऑनलाइन टेस्ट है अपना। तो पेपर मैंने आपको सेंड कर दिया, उम्मीद है कि आपका टेस्ट अच्छा हुआ होगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब किए हुए। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में से किस तत्व में सबसे प्रबल धात्विक बंध पाए जाते हैं। तो सीधी सी बात है कि जिसमें जितने ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसमें जितने ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतना प्रबल धात्विक बंध बनाएगा। तो अगर इन सभी का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आप ये पाओगे, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, आर्गन 3d5 4s1। तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 और 1 6। तो क्रोमियम में सबसे अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 6। इस कारण से इन सब में सबसे अधिक प्रबल धात्विक बंध का निर्माण कौन करेगा, क्रोमियम। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्रोमियम हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से परा यूरेनियम तत्व या जिसको हम बोलते हैं ट्रांस यूरेनियम तत्व कौन सा है। निम्न में से परा यूरेनियम या ट्रांस यूरेनियम तत्व कौन सा है, तो आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि परमाणु क्रमांक, यूरेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 92। तो यूरेनियम के बाद आने वाले तत्व, यूरेनियम के बाद आने वाले तत्व क्या कहलाते हैं, पैरा यूरेनियम या ट्रांस यूरेनियम तत्व कहलाते हैं। अब देखो, बात करें आपका जो होलियम है, इसका परमाणु H2 का होलियम परमाणु क्रमांक 67 होता है। अमरेसियम, किसकी बात करें, अमरेसियम AM का मतलब अमरेसियम, जिसका परमाणु क्रमांक 95 होता है। ER अरबियम, जिसका परमाणु क्रमांक 68 होता है। डिस्प्रोसियम, जिसका परमाणु क्रमांक 66 होता है। साफ देखने से पता चलता है कि अमरेसियम है उसका परमाणु क्रमांक 92 के बाद है। तो यहाँ पैरा यूरेनियम तत्व कौन सा हो जाएगा, निम्न में से पैरा यूरेनियम तत्व या ट्रांस यूरेनियम तत्व है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी अमरेसियम AM। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, GD गैल्डोलिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए GD लेंथेनाइट श्रेणी का तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 64 होता है। देखो, या तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखो, इससे पहले अक्रिय गैस कौन सी आती है, जीनोन, फिर हम लिखते हैं 4f 5d 6s। तो जीनोन का परमाणु क्रमांक 54, 2 56 56 1 57 64 है, तो इसमें एफ में कितने आ जाएंगे, 7। तो ये जेडी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, गैल्डोलिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने आपके सामने लिख दिया है। जेडी एक्स ई 4f 7 5d 1 6s 2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि क्रोमाइट एक्स का सूत्र लिखिए। क्रोमाइट एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, FeCr2O4। FeCr2O4 इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि इस क्रोमाइट एक्स की सहायता से हम K2Cr2O7, क्या नाम होता है इसका, पोटेशियम डाइक्रोमेट का निर्माण करते हैं। तो क्रोमाइट एक्स का फॉर्मूला बिल्कुल मुझे मान याद होना चाहिए, FeCr2O7। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि प्रथम संक्रमण श्रेणी में कौन सा तत्व धनात्मक मानक अपचयन विभव दर्शाता है। देखो, प्रथम संक्रमण श्रेणी के जितने भी तत्व होते हैं वो सब ऋणात्मक मानक अपचयन विभव दर्शाते हैं, लेकिन एक तत्व है जो क्या आपका, कॉपर। प्रथम संक्रमण श्रेणी में कॉपर तत्व ऐसा होता है जो धनात्मक अपचयन विभव का मान दर्शाता है, जो Mn2+ से Am का जो मान दर्शाता है वो +0.34 वोल्ट है। +0.34 वोल्ट बिल्कुल याद कर लेना कि प्रथम संक्रमण श्रेणी में कौन सा तत्व धनात्मक मानक अपचयन विभव दर्शाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, Cu कॉपर, जिसका मान कितना है, 0.34 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संक्रमण तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं क्यों। तो जो सिद्ध, क्योंकि आप सभी जानते हो कि संक्रमण तत्वों का सबसे मुख्य गुण यही होता है, क्योंकि ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इनके N-1d तथा NS उपकोषों की ऊर्जा में बहुत कम अंतर होता है, क्योंकि इनके N-1d तथा NS उपकोषों की ऊर्जा में बहुत कम अंतर होता है, जिससे दोनों उपकोषों के
इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, परमैंगनेट तथा डाई क्रोमेट आयन की संरचना बनाइए। देखो पहले तो इनके हमें आयन की सूत्र आना से परमैंगनेट आयन होता है उसका फॉर्मूला होता है MnO4-। MnO4- को बोलते हैं परमैंगनेट आयन। और डाईक्रोमेट आयन की बात करें तो Cr2O7-2- होता है। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी? मैंगनीज, कितने ऑक्सीजन? 4, तो 1, 2, 3, और इस ऑक्सीजन पर कितना माइनस का? 1, तो यहाँ लगा दिया। ये तो स्ट्रक्चर हो गई मैंगनेट आयन की। अब बात करें डाईक्रोमेट आयन की, तो क्रोमियम कितने? 2, तो 1 क्रोमियम इधर, दूसरा क्रोमियम इधर। ऑक्सीजन कितने? 7, तो 3 इसको मिल जाएंगे, 3 इसको, तो बीच में 1 हो जाएगा। 1, 2, 3, अब ये माइनस है तो जहाँ मैंने माइनस लगाया वहाँ मैंने सिंगल बॉन्ड बनाया, तो यहाँ पे माइनस आ गया। तो क्लियर बात समझ गए होंगे कि परमैंगनेट और डाई क्रोमेट आयन की जो स्ट्रक्चर है, जो संरचना, वो मैंने बना दी है। अब यहाँ पर ये याद कर लेना, ये दोनों कंपाउंड अपने सिलेबस में दे रखे हैं। जो परमैंगनेट तो है KMnO4, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट आयन, और जो डाईक्रोमेट है वो K2Cr2O7 पोटेशियम डाईक्रोमेट के रूप में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लैंथेनाइड संकुचन किसे कहते हैं, इसका कारण बताइए। आपने कहीं पर भी ये क्वेश्चन देखा होगा तो आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है इस चैप्टर का। लैंथेनाइड संकुचन किसे कहते हैं, इसका कारण बताइए। तो देखो सीधी सी बात है कि लैंथेनाइड संकुचन में क्या होता है, लैंथेनम से ल्यूटेशियम तक जाने पर, जो इसको मैं लिख दूँ यहाँ पे कि लैंथेनाइड श्रेणी में लैंथेनम से ल्यूटेशियम तक जाने पर इनके आकार में लगातार कमी आती है। लैंथेनाइड श्रेणी में लैंथेनम से ल्यूटेशियम तक जाने पर इनके आकार में लगातार कमी आती है। इस कमी को लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। अब इसका कुछ कारण देखो, परमाणु जो इनके आकार में कमी आती है, तो जो आकार का जो प्रभाव है वो दो कारकों पर निर्भर करता है। एक तो होता है प्रभावी नाभिकीय आवेश, और दूसरा होता है परिरक्षण प्रभाव। तो देखो लैंथेनम से जब तो ल्यूटेशियम की तरफ जाएंगे तो प्रभावी नाभ के आवेश में तो लगातार वृद्धि होती है, लेकिन दो कोष अंदर इलेक्ट्रॉन प्रवेश करने के कारण इन पर परिरक्षण प्रभाव बहुत कम लगता है, जिसके कारण इनके आकार में कमी आती है। तो यह लिख सकते हो कि लैंथेनाइड श्रेणी में अंतिम तत्व दो कोष अंदर वाले, दो कोष अंदर वाले जो लैंथेनाइड श्रेणी में अंतिम तत्व, ऐसे लिख लो, अंतिम तत्व N-2F, लैंथेनाइड श्रेणी में अंतिम तत्व N-2F में प्रवेश करता है, जिसके कारण परिरक्षण प्रभाव बहुत कम लगता है, जबकि प्रभावी नाभिकीय आवेश में लगातार वृद्धि होती है, जिसके कारण आकार में कमी आती है। तो उम्मीद है कि 7 क्वेश्चन नंबर 7 आपको इजीली एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, कि
Ni2+ का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करें। तो देखो पहली बात निकल की बात कर लेते हैं, निकल का परमाणु क्रमांक कितना होता है 28, तो इससे पहले अकेली गैस कौन सी आ गई, आर्गन, फिर डी और ये एस, तो ये 4s और ये 3d। निकल का परमाणु क्रमांक 28, तो आर्गन का 18, 2 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। क्लियर होगी बात। अब देखो यहाँ पे कि Ni2+ है, तो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो गए, बाहर चले गए, तो Ni2+ के पास अयगमित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, दो, तो n बराबर यहाँ अयगमित इलेक्ट्रॉन की संख्या दो है। तो जो चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू बराबर अनरूड एन एन प्लस टू होता है, तो म्यू बराबर एन, एन का मान कितना हो गया यहाँ पे दो, दो प्लस दो, दो प्लस दो, तो म्यू बराबर दो जोड़ी चार, चार को दो सौ गुणा किया आठ, तो अनरूड आठ के मान को आप हल करोगे तो लगभग आपका मान 2.84 बोर मैग्नेटोन आ जाएगा, कितना 2.84 बोर मैग्नेटोन। तो Ni2 का चुंबकीय आघूर्ण आपने ज्ञात कर लिया। इसके बाद लिखा है लैंथेनाइड श्रेणी में लैंथेनम से ल्यूटेशियम तक हाइड्रोक्साइडों की सारी सामर्थ्य किस प्रकार परिवर्तित होती है। तो सीधी सी बात है कि लैंथेनाइड श्रेणी में लैंथेनम से ल्यूटेशियम तक हाइड्रोक्साइडों की सारी सामर्थ्य में कमी आती है, सारी सामर्थ्य में कमी आती है, लगातार घटती है, क्योंकि क्योंकि लैंथेनम से ल्यूटेशियम तक जाने पर परमाणु आकार में कमी आती है। तो ये भी यहाँ से क्लियर कर लेना कि क्वेश्चन समझा दूँ कि जैसे ये आ गया लैंथेनम हाइड्रोक्साइड और ल्यूटेशियम हाइड्रोक्साइड, इनमें सबसे अधिक क्षारी कौन सा होता, तो लैंथेनम हाइड्रोक्साइड अधिक क्षारी होता है। लैंथेनम से जैसे जैसे ल्यूटेशियम की तरफ जाएंगे आकार में कमी आने के कारण इनके क्षारीय गुणों में भी क्या आएगी, कमी आती है। तो उम्मीद है चैप्टर नंबर 8 का जो ऑनलाइन टेस्ट है वो आपका काफ़ी अच्छा रहा होगा। क्वेश्चनों का जो तरीका है बिल्कुल बोर्ड एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग है। आपके कितने अंक इस टेस्ट में आए हैं वो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं, जिससे मुझे आपका ये आइडिया चले कि आपकी टेस्ट की तैयारी कैसी चल रही है। इसके बाद मिलते हैं चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उप संयोजक के ऑनलाइन टेस्ट में। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।